Guys, this is Harsh and you are watching. और आज हम हैं केदारनाथ में. तो you guys can see ये भीमशिला है जो कि त्रासदी के टाइम पे यहाँ पे आके रुक गई थी, जिसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने लास्ट ईयर वाले व्लॉग्स में दी हुई है. तो जो शिवजी का जो सर है वो है अभी पशुपतिनाथ में, और जो शिवजी की जो बैक है वो है अभी केदारनाथ. तो दिस इज़ द स्टोरी कि वहाँ कैसे ये हुआ. इसके साथ साथ उत्तराखंड में 5 केदार हैं, उनके बारे में मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊँ. 1300 से लेकर 1700 सन के बीच में 400 साल तक ऐसे जाई छोटा हिमयुग जिसे बोला जाता है, उसमें ये मंदिर ग्लेशियर्स में दबा रहा. उसके निशान अभी भी मंदिर की दीवारों पर देखे जा सकते हैं. बट ये मंदिर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इसने वो भी सर्वाइव कर लिया, और 2013 में जो आपदा आई थी उसे भी इसने सर्वाइव कर लिया. लेकिन एक जो भीमशिला है उसका बहुत बड़ा हाथ माना जाता है मंदिर को बचाने के लिए, क्योंकि वो एग्जैक्टली जो बाढ़ के साथ जो भीमशिला आई थी वो मंदिर के एग्जैक्टली पीछे आके रुके, पानी के बहाव को लेफ्ट और राइट में काट दिया और मंदिर इस आपदा से बचा रहा. तो नेक्स्ट टाइम से अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो भाई साहब होटल बुक करा के आना, बहुत गंदी कंडीशन रहती है. दो दिन पहले यहाँ पर करीब 400 लोग मंदिर के बाहर ही उन लोगों को सोना पड़ा था, और रात जो टेम्परेचर था वो था -10. मॉर्निंग में मैंने चेक किया -7 था, अब तो टेम्परेचर बहुत अच्छा है, धूप काफ़ी अच्छी निकली हुई है. तो लिटरली भाई 10,000 रुपये मांगे जा रहे थे वन नाइट के लिए फॉर वन रूम, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव. और नॉर्मली जो रेंट था वो था करीब 5,000. जय केदार बाबा. और आई एम प्रीटी श्योर दैट यू गाइस लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब कर लेना. आगे के थोड़े से शॉर्ट दिखाऊंगा क्योंकि लाइन अभी भी काफ़ी लंबी है और ज़्यादा टाइम नहीं देता मैं. बाय बाय.